हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे हस्बैंड कुछ दिखा रहे हैं, तो मुझे मिली है आज ये ट्विटी मुझे उन्हीं ने भेजी है जिनने कैलेंडर भेजा था। थैंक यू सो मच अगेन। और मुझे ट्विटी बहुत पसंद है। उनने एक ब्लॉग में मैंने बोला था कि मुझे ट्विटी चाहिए, आई थिंक मेरे बर्थडे के आसपास या कुछ ऐसे बोला था, और उनने ट्विटी भेज दी और आई लव इट, थैंक यू सो मच। और अभी हम लोग का जो घर का पेंट का काम है वो कंप्लीट हो गया है और 2 बज रहे हैं। नाश्ता हम लोगों ने पोहा कर लिया था, अब मैं जाऊंगी लंच बनाने। वो वाला रूम मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर दिया है, बेडरूम साफ़ है, और कल से कारपेंटर आ जाएंगे। मतलब सामान उनका अभी पूरा आ चुका है जो नीचे रखा हुआ है, मतलब नीचे के घर में, क्योंकि यहाँ पूरा वैसे ही मैसी था तो वो और फैलता, तो वो नीचे के नीचे काम करेंगे और यहाँ पर काम करते जाएंगे, मतलब बेडरूम में लगाते जाएंगे। तो और उसके बाद हमें थोड़ा लाइटिंग वगैरह का काम भी कराना है ना राजा, हमें लाइटिंग का काम भी कराना है क्योंकि फिर बेडरूम काफ़ी, और अभी क्या हुआ है बेडरूम हमने खाली कर दिया, और मैंने सोचा है कि मैं बेडरूम खाली ही रखूँगी तो उसमें हम टीवी भी चला रहे हैं तो आवाज़ गूंज रही है। तो देखते हैं, हम थोड़ा बहुत उसे डेकोरेट करते हैं, पर पहले ये जो ऊपर का जो मेन काम है वो ख़त्म हो जाए। लाइट के लिए कब बुला रहे हो? आज शाम को लाइट का काम कराएंगे। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, अपने हस्बैंड को ही मिलवाती हूँ और फिर मैं खाना बनाती हूँ और फिर मिलते हैं। तो अभी हुआ है इस रूम का मतलब हाफ काम, मतलब पेंट, और अभी पूरे पर्दे वर्दे करने के लिए रॉड वगैरह सब हटा दी थी, अब हम लोग न्यू रॉड लगवाएंगे इस रूम से मैचिंग। और कर्टेंस मैं लेने जाऊंगी, आज तो ट्यूसडे है तो इसी वीक लाऊंगी, मेरे को अभी नहीं मालूम मैं कब जाऊंगी। तो आप मुझे इस रूम के हिसाब से अगर कर्टेंस सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन है रूम में तो उसके हिसाब से कौन से कर्टन अच्छे होंगे, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए जाके। और बोनी को देखिए, हाय, इसका सांस बंद हो गया था अभी। एक्चुअली मैं, इन्हें बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, ये वो सिचुएशन होती है जब आपको सांस नहीं आता है, और ये इसके साथ गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है ना बोनी। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, लंच बनाने। बोनी, और वो तो मुझे हद परेशान कर रहा है। सो ये अभी सब कुछ सॉर्ट आउट होना है, नहीं हुआ है, ये 3-4 दिन में पूरा ख़त्म होगा काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कल कारपेंटर नीचे से काम करेंगे, मतलब नीचे से। तो और अभी पता नहीं क्या चल रहा है, ये तो अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है। और पता है मुझे कौन सी सैंडल मिली है, होल्ड ऑन, जो मैं पिछले साल, एक ट्राउज़र था सेम ऐसी मैचिंग का, या टॉप था, तो मैं ये प्रिंट की लेके आई थी। तो ये दो, ये यूज़ ही नहीं हुई है, मतलब मैं सोच रही थी कि सीरियसली मैं नहीं लाई हूँ, और मैं लाई थी। तो अब मेरे को सिर्फ अपने सेक्शंस डिवाइड करने, सब करने, मैं सब कुछ सेट करूँगी, कपड़े वपड़े सब उस रूम में फैले हुए हैं उन्हें मैं सेट करूँगी जब ये बन जाएगा। और ये जो वॉल है हमने अभी इसे प्लेन ही रखा है, और लाइटिंग हम लोग सीलिंग से कराएंगे, लाइक कॉर्नर सीलिंग वगैरह से। तो मैंने अभी इसे प्लेन ही रखा है क्योंकि अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें और क्या करा सकते हैं, और क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है कि इसमें भी क्या कराएंगे। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं इसे अभी प्लेन छोड़ दूं, उसके बाद मुझे जो लगेगा कि हाँ ये करा सकते हैं, बेशक मैं 1 महीने बाद कराऊं या 2 महीने बाद कराऊं, थोड़ा मैं क्लियर आउट हो जाऊं, क्योंकि अगर नहीं होंगी और हम लोग कुछ भी करा देंगे और कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वो दिक्कत है। और कुछ बस, मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने, मेरी ऑल टाइम फेवरेट, उसके साथ मैं बनाऊँगी पराठे। तो सबसे पहले मैं भिंडी धो के रखती हूँ, और उसके बाद भिंडी काट के भिंडी बनाती हूँ, प्याज वाली भिंडी। मैं बहुत सारी प्याज डालूँगी, मुझे भिंडी में हद प्याज पसंद है, मतलब जितनी भिंडी उतनी प्याज, ये मेरा लॉजिक है, और सौंफ डालना बहुत ज़रूरी है भिंडी में मेरे लिए। सो लेट्स गो। तो अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मैंने राई डाली है। यूजुअली मैं भिंडी की सब्ज़ी में अजवाइन डालती हूँ, बट अजवाइन आई थिंक ख़त्म हो गई है, मुझे अजवाइन डालनी होगी, और जब अजवाइन नहीं रहती है घर में तो मैं राई डालती हूँ। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आती है भिंडी में, बट राई इज़ ऑल्सो गुड इफ़ यू डोंट हैव अजवाइन। तो ये अजवाइन क्रैकल होगी एक जगह पे, तब तक मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ कटी हुई हरी मिर्ची, लाल मिर्ची जो लाल हो गई हैं, मुझे सब्ज़ियाँ लानी पड़ेगी जाके गाइस, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है 2-4 दिन से बिल्कुल भी। अब मैं डालूँगी प्याज, प्याज मैं भिंडी में बहुत सारी डालना पसंद करती हूँ, बिकॉज प्याज हरी भिंडी इज माय फेवरेट। मुझे भिंडी में थोड़ी बड़ी प्याज काट के डालिए,
इसके बाद जो भिंडी में जो प्याज आएगी वो बहुत अच्छी लगेगी आपके, जो आपके माउथ में आएगी वो। तो अब मैं इसे हल्का सा पकने दे रही हूँ और उसके बाद में फिर मसाले और भिंडी डाल दूँगी। सो अब मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और अब मैं इसे मिला रही हूँ और इसे ढक दूँगी अब मैं 5 मिनट चला के और ये बनती रहेगी। बहुत सो पीछे से कितने कराटे ले रहे हो तुम, आप सुन रहे होंगे। उसका सोने का टाइम हो गया है, अब ये सो गया है, मैं अभी से थोड़ी देर में उठा के खाना खिलाऊंगी। कैसे सो लाइए बाबू। तो अपनी भिंडी का मसाला मिक्स हो गया, अब देखिए कितनी प्याज है, मुझे प्याज भिंडी में बहुत पसंद है। अब मैं इसे सिम कर देती हूँ और ढक देती हूँ। सो अब जब तक मेरी भिंडी तैयार होती है मैं आटा गूंद देती हूँ, और ये कोई माइक नहीं है, ये मेरा क्लचर है। सो और देखिए मेरी आँखें वाँखें कितनी सूजी हुई है, मैंने आई डोंट नो। अरे एक बात तो बताना ही भूल गई आपको, कल हम लोग को जाना है एक वेडिंग में और मेरे को साड़ी निकालनी है, वो है पर्पल। देखिए मेरा अभी जो कपड़े वॉश होके आए हैं वहाँ पे रखे हुए हैं, और ये कुछ वॉश वाले कपड़े हैं, थोड़ा गंदा है, प्लीज़ थोड़ा बहुत गंदा है, डोंट माइंड इट गाइस। अभी मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो कल मुझे जाना है वेडिंग में, और वेडिंग में जाने के लिए मुझे निकालनी है एक साड़ी जो कि है बेड के अंदर। पर्पल साड़ी पहनूंगी कल मैं, क्योंकि जो क्रीम वाली है वो मैंने अभी तक ड्राई क्लीन पर नहीं डाली है। तो एक पर्पल साड़ी है वो बहुत अच्छी है, मतलब हाफ़ नेट है हाफ़ वो है। तो कल का आउटफिट मैं आपको दिखाऊंगी, और हो सका तो एक ट्यूटोरियल या एक मेकअप लुक भी शूट कर लूँगी। आई डोंट नो मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि कल से आपको पता है काम लगने वाला है काफ़ी, और मेरे बालों की हालत लिटरली बहुत ख़राब है। कल मैंने ऑयलिंग कर ली और शैम्पू कर लिया तो भी सही नहीं हुआ। अब मैं लेके आऊँगी डव कंडीशनर, उससे बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी कोई भी DIY करने का टाइम नहीं है मेरे पास लिटरली। हम लोगों की हो गई है भिंडी तैयार, और अब मैं सोच रही हूँ, मतलब भिंडी मैंने कर दी है, आटा मैंने गूंद दिया है। अब देखिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे कितना भारी मेस है, मतलब पूरी बेडशीट वगैरह इधर उधर हुई पड़ी है, तो मैं ये क्लीन कर दूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या कर रही हूँ। आपको मेरे डेली व्लॉग्स बहुत पसंद हैं और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और गाइस मैं लिटरली टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, आप देख रहे हैं कि मैं बैठ पाऊँ एक मिनट के लिए भी, और मैं अपने हस्बैंड की दवाई लेके घूमती हूँ, क्योंकि हर चीज़ इधर उधर हो गई थी, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी, मतलब इधर उधर हो गई थी। तो पर उन्हें 3 टाइम ये दवाई लगती है, तो मैंने अपनी पॉकेट में डाल के रखा हुआ है ऐसे, कि उन्हें 3 बार मुझे डालना है, तो कि मैं कहीं मिस ना कर दूँ उनकी आइस में, और उन्हें फिर से सर दर्द, और क्योंकि उन्हें स्पेक्ट्स लग गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये दवाई लेके मैं घूम रही हूँ, तो मेरी पॉकेट्स में बहुत मेन चीज़ है, जैसे ये पैन कार्ड रखा हुआ है मेरा, और क्या रखा हुआ, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़, और बोजो की ईयर सीट, बोजो का भी ईयर का रखा हुआ था, उसको भी कान में भी इन्फेक्शन है, वो रखा हुआ। सो गाइस हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड का लैपटॉप बहुत वियर्डली काम कर रहा है, तो वो दिखाने, और सामने संगीत है तो बहुत ज़ोर से अभी DJ बज रहा है, और अभी बजना शुरू हुआ था, अभी बंद है, तो मेरे को लगा मैं थोड़ा व्लॉग कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाली है, क्योंकि संगीत है उन लोगों के यहाँ पे। हम लोग अभी चिल मार रहे हैं लंच करके। कैसी लगी भिंडी? भिंडी बहुत अच्छी बनी थी, यमी हमने खाया, बोजो ने भी खाया है ना। बोजो क्या खाया आपने? पलाठे खाए ना आपने? और वो सो रहा है अभी मेरी आँखों के सामने। देखिए एक तेज खराटा लेके बता रहा है वो, ये हिमालय की लिवर 52 लिप 52 आती है, जो कि ख़त्म हो चुकी है, इसका डब्बा पड़ा है। हाँ और हम लोग देख रहे हैं मेरे बाप पहले आप, ये पिक्चर का नाम है। हाँ yes. तो ये पिक्चर चल रही थी, बट इनका DJ इतनी तेज़ चला बीच में कि वो पिक्चर की लय चली गई, मतलब रिदम चली गई है पूरी पिक्चर की, अगर ये कोई सेंस मेक करता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो पहले सब्ज़ी की शॉपिंग करके आती हूँ, और देखते हैं कि क्या क्या है काम कल से। राजा वो कितने बजे तक बैठेंगे? कौन? कारपेंटर। 5-6 बजे तक, क्योंकि कल हमें जाना है वेडिंग में, और उससे पहले मुझे मेरे हस्बैंड की सारी जीन्सें और सब कुछ यहाँ पे थी, और वो ऐसे रख दी हैं मैंने, अब मुझे जाके उन्हें देखना है और फिर प्रेस कराने डालना है उन्हें। आप क्यों नहीं करते अपनी जीन्स प्रेस? I don't like it. You don't like it? नहीं तुम्हें बनती नहीं है ये बोलो।
मुझसे ही प्रेस करते नहीं बनती है और इनसे ही प्रेस करते नहीं बनती है। तो हमें अपना एक एक कपड़ा जो भी होता है प्रेस वाला वो देना ही पड़ता है कि भैया प्रेस कर दो। सभी को सभी देते हैं? नहीं यार, पर थोड़ी बहुत तो प्रेस करनी बननी चाहिए ना। इसमें क्या ऐसे से कर दो? ऐसे ऐसे नहीं करते, प्रेस अच्छे से करनी पड़ती है, वरना मेरे से मैं कभी भी प्रेस करती हूँ तो ऐसा लगता है प्रेस हुआ ही नहीं है। मम्मी करती तुम्हारी अच्छी प्रेस, मेरे से नहीं बनता है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्टली थोड़ी देर बाद, या बाहर जब निकलेंगे तब, या बाद में। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग, और कुछ सब्ज़ी लेने जा रही हूँ मेनली इस तरह से। एक्चुअली बहुत दिनों से मैं बहुत गंदा गंदा फील कर रही थी, लाइक पूरे बाल वाल, अभी बाल थोड़े सही लग रहे हैं मुझे, पर फिर भी मुझे कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। और मेरे हस्बैंड ने फ़ैन ऑन कर दिया, उन्हें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। राजा पानी, बेबी बाबू पानी पानी। प्यास लग रही है, पता नहीं एकदम से इतनी गर्मी कैसे हो गई। आई थिंक एकदम से इतनी गर्मी कैसे हो गई है, बट लग रही है। शुरू हो गए गाने। हाँ, हम लोग जा रहे हैं पेडिग्री लेने, और उसके बाद फिर जाएंगे कहीं कहीं थोड़ा बहुत सामान लेने। दो तीन दिन से मेरा कोई सामान ही नहीं आ पा रहा है। मेरे लिए हर दिन निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं इतनी अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर पाती हूँ। और आज जो मेरे कल हस्बैंड, जो मेरे कल हस्बैंड, मेरे से एक ही हस्बैंड है, कुछ भी बोलती है। मेरे हस्बैंड कल भिंडी लाए थे, और भिंडी जब वो लाए तो वो ऑलरेडी 3-4 दिन बासी थी। तो और मैं जानती हूँ उस भिंडियों को मैंने किस तरह से टैकल किया है। और मेरे पास सिंगल एक सब्ज़ी थी, अदरवाइज मैं उसे बनाती भी नहीं। बट आई थिंक आधा किलो में से मैंने 15 भिंडी निकाली होगी छोटी छोटी बनाने के लिए। और प्याज इसलिए अच्छा मैंने ज़्यादा डाल दी थी, वरना तो बहुत ही दिक्कत हो जाती। तो आप कुछ खाना चाहेंगे अभी? हम लोग का पेट एकदम फुल स्टफ्ड है। सो नाउ वी आर गोइंग, एंड बोजो की पेडिग्री कल ख़त्म हो गई थी लिटरली। बट वो फिर वेजिटेबल वाली पेडिग्री खा रहा था जो उसकी रखी हुई थी पुरानी, मतलब वो नई थी बट वो वेजिटेबल वाली खाता नहीं है, बट वो वेजिटेबल वाली खा रहा था। तो अब हम लोग लेने जा रहे हैं उसकी पेडिग्री, जो कि होती है चिकन एंड वेजिटेबल ना, वो थी वेजिटेबल एंड मिल्क आई थिंक, यस। तो वो उसे पसंद नहीं है, तो वो ऐसे खाता है छाट छाट के, जब भूख लगी थोड़ी बहुत खाई। तो अभी उसने एक पराठा खा लिया था। बोजो की चॉइसेस बहुत ही अलग हैं, नॉर्मल रोटी नहीं खानी है उन्हें, पराठा खाना था उन्हें गर्म चाय विद चाय विथ चाय। तो हम लोग चाय में ऐसा नहीं कि चाय के साथ पूरा उसे डिप करके देते, चाय की हल्की मसाज करके उसे हम पराठा खिलाते, चाय की मसाज, क्योंकि और मीठा वो वैसे भी खाता भी नहीं है कभी, है ना, वो मीठा लवर भी नहीं है। मीठा लवर है लेकिन खिलाते नहीं है जी, नहीं। हाँ, वो चॉकलेट उसे बहुत पसंद है। एक दिन, एक बार की बात है, ये मेरे लिए चॉकलेट लेके आए थे, इन्हें बेड पे रखी चॉकलेट, तो फिर इन्हें बोला जाओ तुम्हारी चॉकलेट बेड पे रखी है। मैं चॉकलेट लेने गई, उससे पहले बोजो ने पूरी, आई थिंक वो 7-8 महीने का था उस ना उस टाइम पे, तो उसने पूरी पन्नी चबा ली थी ऊपर से, और चॉकलेट का जितना भी निकला उतना खा ली उसने वो चॉकलेट। वो चॉकलेट बची नहीं थी बोजो के हाथों। बोजो को इतनी पसंद है डेयरी मिल्क, बोजो डेयरी मिल्क लवर है, सिल्क सिल्क लवर। ओह माय गॉड। तो अब हम लोग जाते हैं और लेके आते हैं पेडी की। दो वो निकाल दो, दो पैकेट हाँ वाले अडल्ट वाले, हाँ 3 किलो वाले। ये नहीं, 3 किलो में तो नहीं मिलेगा, कितने में? 1.2 केजी और 3 किलो भी होगा। 3 किलो हमने डरल कार खोलो। सो हमने कुछ लाइट ली है, लीव इट यार, घर के लिए ले लो। हाँ ये हुई ना, पर वो सो हम लोग घर के लिए अभी लाइट लेने गए थे, और अभी हम लेने जा रहे हैं घड़ी, वॉच, वॉल क्लॉक, यस। अभी हम लोगों ने एक वॉल क्लॉक खरीदी है, और वो बहुत ही प्यारी है, आई रियली लव इट, लव इट। जो मेरे हस्बैंड के हाथ में थी वो ही वाली वॉल क्लॉक है, मैं अच्छे से घर चल के दिखाऊंगी आपको।
और हमने लाइटिंग भी ले ली है घर की जो चाहिए थी, तो वो सब हो जाए, मतलब ख़त्म ही कर रहे हैं हम घर का काम पूरा एक बार में, मतलब जितनी देर में हो। और सामने से बारात आ रही है, कल हमें शादी में जाना है। और लाइट का काम हो गया है और वो हम लोग अब रात के 8:30-9 बजे इलेक्ट्रीशियन को ढूंढ रहे हैं। हम लोग का जो परमानेंट इलेक्ट्रीशियन है उसका फ़ोन सुबह से नहीं मिल रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रीशियन आया था शाम को, और तब हम लोगों के पास सामान हम लोगों ने लिया नहीं था, तो हम लोगों को लगा हम सामान लेके आएंगे उसके बाद बुलाएंगे। उसे क्यों नहीं बुला रहे हो तुम? अच्छा वो अब नहीं आ रहा, सबका घर जाने का टाइम हो गया है। बट मेरे हस्बैंड सनक जाते हैं कई बार, वो सनक गए हैं अभी, उनको अगर ऐसा है कि कोई काम कराना है तो वो कराना है बस, तो पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे आज ही करानी है, बेशक 10 बज जाएँ 11 बज जाए, किसी को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं करवाऊँगा। वो पागल हो गए हैं और वो 10 लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कोई मुझे याद कर रहा है। हाँ तो वो अभी फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रहे हैं। तो इनने सो इनने फाइनली आई एम लुकिंग लाइक अ घोस्ट। तो इन्हें फाइनली मैनेज कर लिया है इलेक्ट्रिशियन, मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन चेक करेंगे आप तो उसमें आपको हर नंबर मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिशियन 5 नाम इलेक्ट्रिशियन के, 5 कारपेंट, अच्छा 7, देखिए इन्हें काउंट भी करके रखा, मैं सबको कॉल कर रहे थे ऐसे लाइन से कारपेंटर्स के थे नंबर, इन्हें नहीं मालूम कौन सा कारपेंटर है, बस ये फ़ोन लगाते जा रहे थे, जो अवेलेबल हुआ वो आ गया, ऐसे पेंटर भी इतने सारे पेंटर जो अवेलेबल था आ गया, मतलब तो अब मैं आते रहते हैं ना, लेता रहता हूँ ये कब कौन काम आ जाए। हाँ ये सबके नंबर, जैसे जो कोई भी मिलता है सबके नंबर लिखते जाते हैं। हाँ सो कई बार इसलिए ऐसा होना भी चाहिए, आपके पास बहुत सारे नंबर होने चाहिए ताकि अगर कुछ भी हो तो एक नहीं तो दूसरा तो अवेलेबल हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी हम लोगों को कारपेंटर की, कारपेंटर फ्री ही नहीं थे है ना राजा, तो बोले थे हमें 2 दिन पहले इन्फॉर्म करिए, 3 दिन पहले इन्फॉर्म करिए, तो एक को किया हमने संडे को, अब वो ट्यूसडे को आएगा, मतलब कि कल, सॉरी वेडनेसडे को, मतलब उसने भी 2 दिन प्रॉपर ले लिए। बट ये अच्छा है कि वो नीचे काम करेगा, कि मेरे सिर पे काम नहीं रहेगा उसका। और अब हम लोग जा रहे हैं घर, उससे पहले मैं ले लूँगी सब्ज़ी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रीशियन है वो भी पहुँच जाएगा और मेरे हस्बैंड भी पहुँच जाएंगे और साथ में मैं भी पहुँच जाऊँगी मैं कहाँ जाऊँगी और सो हाँ घर पहुँचने वाले हैं, और मुझे लगा कि पहले आप लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि सामने संगीत है और इन्हीं के फ्रेंड का संगीत है, और हम लोग सोचो कहाँ घूम रहे हैं घर के काम के लिए। होपफुली अभी शायद ये जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी पूरे कपड़े वपड़े सब जाके चेंज करने पड़ेंगे अगर मुझे जाना है तो, जिसकी हिम्मत मेरे पास नहीं बचती है, क्योंकि मेरे रात में कल शादी में भी जाना है, तो मेरे को लगा कि पहले ही बात कर ली जाए, क्योंकि गाने वाने बज रहे होंगे ज़ोर से तो और बात नहीं हो पाएगी। वो बाइक पे होगा ना राजा? बाइक पे तो कोई होता कॉल करता है उठाने था आदमी। सो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं, और बोझों के लिए मैं खाना बनाती हूँ जाके, क्योंकि बोझो ढंग से खा नहीं रहा है, सुबह से वो परौठा खा के रखा, परौठा राजा परौठा, और मैं अब घर जाके बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि आटा रखा हुआ है गूंदा हुआ, और हम लोगों ने कहीं ना कहीं बाहर खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तीनों टाइम घर में खाना बनाती हूँ। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब गाने नहीं बज रहे हैं, थैंक गॉड, मेरे को लगा था मेरी ब्लॉगिंग का क्या होगा, डीजे बज लगा है और गाने नहीं बजे, तो बज ही नहीं है। ओह माय गॉड बज रहे हैं, नाच मुंडा मेरे हस्बैंड जा रहे हैं डांस करने और मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑफ शोल्डर में हूँ, और वो फैमिली फंक्शन ही है एक तरह से, क्योंकि फ्रेंड का शादी है, फ्रेंड की शादी है। सो ये जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ बालकनी में देख के आती हूँ।
का जो डीजे है वो बंद हुआ है और अब मैंने खाना बना लिया है। खाने में मैंने बना लिया है कद्दू की सब्ज़ी, सो बोरिंग बट कुछ तो खाना था तो मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी। और मैं जो वॉल क्लॉक लाई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी शो यू। ये है सो ये है वो घड़ी जो मैं ख़रीद के लाए हम लोग। ये अभी कितना टाइम दिखा रही है, माय गॉड, ये इसमें सेल डालने हैं। सो ये वाली घड़ी हम लेके आए और थोड़ा लाइट का सामान लेके आए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, वो पूरा आप देखते हैं एक्सचेंज होता है या नहीं होता है, बंद हो जा। और इस कल आएगा कारपेंटर तो मैं उस टाइम पे इसको लगवाऊंगी उससे टीवी के ऊपर क्योंकि वो वॉल काफ़ी खाली है। राजा और बोझो बाहर गए तो जो आ गए। तो फाइनली मैं लेट गई हूँ आके और मुझे मेकअप निकालना था और मैंने मेकअप नहीं निकाला है और हो रहा है सोने का टाइम, पर इस व्लॉग को एडिट करना है और खाना जो है वो मेरा बनानी है अभी पूरा। मैं सब्ज़ी बन गई है और उसके साथ की जो रोटियां हैं वो मुझे सेकनी है, तो जब सब खाएंगे मतलब गरम गरम ही बनाऊंगी, मैं बना के नहीं रख सकती क्योंकि हम लोग रखी हुई रोटी हम लोग जैसे कभी बहुत इमरजेंसी है तो, वरना हम लोग गरम ही खाते हैं। और लाइट का आइडिया तो फुली फ्लॉप हो गया बिकॉज फुल वायरिंग जो थी वो विजिबल होती, पर अब देखते हैं कि कुछ और हो सकता है। एक तो जो इलेक्ट्रीशियन आया था ना वो थोड़ा पगला टाइप का था, मतलब पागल टाइप का था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और बोझस से मिलने गया तो वो पागल हो गया, मतलब इतना गंदा डर गया वो, ऐसे 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 डांस कर रहा था सामने डिस्को, मतलब सामने डीजे चल रहा था और जब बोझस से खुला हुआ था बोझस के पास गया तो वो इस तरह से करने लगा, मतलब अजीब अजीब से पॉस्चर। मैं समझती हूँ कि सब लोग डॉग से फैमिली नहीं होते हैं, बट वो थोड़ा सा बता नहीं पा रहा था कोई भी चीज़ ढंग से, मतलब कुछ भी पूछ रहे थे उससे तो वो खुद ही कन्फ्यूज़ सा था, मतलब उसे खुद ही नहीं मालूम था कि क्या करना है। वो जब हम उससे पूछ रहे थे तो वो खुद हमसे पूछ रहा था अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, फिर यही सब चल रहा था उसके साथ। और गाइस कमेंट्स में बता रही हूँ कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने कर पाऊँ, थोड़ा टाइम मिलता है फ्री और मैं अगर मोबाइल लेके बैठी हूँ तो मैं उस टाइम पे करने की कोशिश करती हूँ। और वैसे मैंने मोबाइल अपने आप से दूर ही रखा हुआ है क्योंकि अगर मोबाइल मेरे हाथ में रहता है तो मेरा यूट्यूब पे काफ़ी टाइम निकल जाता है और मेरे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो मोबाइल मैं अक्सर आजकल क्या करती हूँ, अगर मैं बेडरूम में हूँ तो मैं रसोई में रख देती हूँ ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो और मेरी वेबसाइट पे मैं ब्लॉग लिख रही थी कल से आज तक, मैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया क्योंकि मैंने कल लिखना शुरू किया था उसके बाद फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला लिखने का। और कल मुझे वीडियो शूट करनी है किसी भी हालत में क्योंकि मेरे पास थर्सडे की सेकंड वीडियो नहीं है और मेरे पास दो चार वीडियो आइडियाज़ थे जो मुझे करने थे। अब मैं देखती हूँ कि कल क्या सीन रहता है, मैं कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ ये देखना पड़ेगा। आज टाइम बहुत प्रॉपर था शाम का मेरे पास, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके चले गए कुछ काम के लिए और मुझे भी सब्ज़ी लेनी थी तो हम लोग बाहर ही चले गए थे, हम लोग को टाइम ही नहीं मिला उस टाइम पे भी। तो अभी बोझो आया है, बोझो 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 खाना खा के आ गया है, बोझो आ जा बोझो आ जा बोझो आ जा बेबी बोझो चलो चले, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है वो। तो रूम में मैंने LED लगवा दी, ओए नहीं आ रहा। तो हम लोग आज जा रहे थे कर्टन कवर लेने और हम लोग जाने वाले थे कर्टन्स लेने बट कर्टन जो हैं आज आज ट्यूसडे था तो मार्केट बंद थी पूरी, तो कर्टन्स भी नहीं आ पाए। और मैंने आपसे शायद सुबह ही कहा था कि इस कॉम्बिनेशन के साथ कर्टन कलर बाप रे कितना टंग ट्विस्टेड टाइप का लग रहा है मुझे अभी, या मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ इतना। हाँ तो इसके साथ कर्टन, इस रूम के कॉम्बिनेशन के साथ कर्टन का कलर सजेस्ट करिए क्योंकि आई थिंक मैं कल परसों में या संडे तक जाऊँगी पर जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि पूरी रोशनी सुबह आती और 5-6 बजे ही नींद खुल गई थी आज हम लोगों की। तो बोझो नीचे ही है। सो यही सब चल रहा था, अब देखते हैं। और आपको मेरी बोरिंग सी और थोड़ी थकान वाली लाइफ
कैसी लग रही है। और मेरे पिलो के कवर मैंने निकाल के रखे थे वॉश पे, और मुझे दूसरे लगाने थे उस पर, मैंने कल से नहीं लगाए हैं सीरियसली। मैं भी से आज रात को इन्हें कवर कपड़े पहनाऊँगी। और हाँ, और उनका डीजे मैंने इतना वेट किया, फाइनली बंद हो गया। दस बजे उनका डीजे बंद हुआ है। मेरे को लगा अब मैं बात कर सकती हूँ, इतना तेज बज रहा था और मैंने काफ़ी डांस भी किया। वो वहाँ बज रहा था और बहुत ऑसम डीजे था, इतने अच्छे अच्छे गाने बजा रहा था। तो मैं अपने रूम में डांस कर रही थी, कभी हॉल में डांस कर रही थी, और मेरे हस्बैंड तो वहाँ पर जाके डांस करके आए, क्योंकि उन्हीं की फ्रेंड की शादी है तो वो डांस करके आए। और बोझो और मैं बालकनी से देख रहे थे, और लिटरली जब कहीं गाना बजता तो ऐसा लगता है कि डांस करते रहो करते रहो करते रहो। सो गाइस, अब हम लोग सिर्फ खाना खाने जाएंगे, और मैं चेंज करके नहाने नहीं, मतलब मैं चेंज करके सोने जा रही हूँ। और अब मैं इस व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मुझे रेगुलर देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करना, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके सब्सक्राइब करिए। और मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक से फॉलो करना चाहते हैं तो वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और दैट्स इट। और मेरी वेबसाइट है www.chandnibeautyzone.com, तो वहाँ जाके आप ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ डला नहीं है अभी, बट आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलती हूँ बाय, आई लव यू, और मिलती हूँ आपसे कल 11 बजे, और होपफुली 2 बजे भी। बाय बाय।